आज बात करेंगे तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की, साथ ही चाचा पर भरोसा करने वाले भतीजे की। बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों किसी न किसी नेता के बयानों पर हलचल बनी रहती है। एक तो पहले भतीजे ने चाचा को लेकर भविष्यवाणी कर दी कि भैया 2024 में चाचा ही केंद्र को संभालेंगे। चाचा भतीजे को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि किसकी बात कर रही हूं मैं। बात कर रही हूं तेज प्रताप यादव की, जिन्होंने साफ तौर से भविष्यवाणी कर दी है कि नीतीश चाचा ही केंद्र में महागठबंधन का झंडा लहराएंगे। पहले ये वीडियो देखिए जिसमें तेज प्रताप यादव चाचा को लेकर भविष्यवाणी कर चुके हैं। पर्यावरण से रिलेटेड जो सवाल है, जो जिम्मेवारी हमको मिला, भाजपा क्या कर रही है, नहीं कर रही है, भाजपा अपने घर में कर रही है, पब्लिक के बीच में तो कुछ दिख नहीं रहा। पब्लिक ने जो भाजपा सरकार उसको नकार दिया बिहार से। हम तो भविष्यवाणी भी कर देते हैं, पिछला बार भविष्यवाणी लेते चाचा जी का, चाचा जी आज हमारे साथ हैं, अब फिर हम आपके सामने हैं और चैनल के लोग हैं, जो भी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं केंद्र में महागठबंधन का झंडा लगेगा। वहीं इसी बीच आरजेडी के एमएलए ने भी दावा कर दिया कि जल्द ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हां, आरजेडी एमएलए इजहार अस्थी ने कहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग इसे चाहते हैं और मुझे लगता है कि राज्य के अधिकांश नेता इसके लिए तैयार है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, शायद इसमें एक या दो महीने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की जनता देखना चाहते हैं और बिहार का नेता भी, हम समझते हैं लगभग सब लोग तैयार है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी है उसको निभाने के लिए, हो सकता है एक आध दो महीना लेट हो, लेकिन ये तेजस्वी जी सरकार, तेजस्वी कुर्सी पर बैठेंगे सीएम का और बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। बहरहाल लालू के बड़े लाल जहां एक तरफ चाचा को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी एमएलए साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी जल्द ही कुछ महीनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच बार बार सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आरजेडी के तमाम नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे, क्या ये पहले से सोच लिया गया था? क्योंकि ये आप भी जान रहे हैं कि जिस तरह का क्रेज तेजस्वी यादव का है, उस तरह का क्रेज नीतीश कुमार का बचा नहीं है। आप बिहार में युवा भी तेजस्वी को खूब चाहते हैं, और तो और भरे मंच से नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री कह डाला था। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी जुबान फिसली थी, लेकिन साहब ये तो आप भी जानते हैं कि अगर जुबान फिसलती है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी गलती को ठीक नहीं किया था। और दिल्ली में राजद की बैठक में भी तो लालू यादव ने पूरी की पूरी कमान तेजस्वी को सौंप दी है, तो वाजिब सी बात है तेजस्वी का क्रेज बिहार में और भी बढ़ता दिखेगा, जैसा कि दिख रहा है। फिलहाल खबर यहीं समाप्त। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।